राजद नेताओं ने भरी हुंकार किया, कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का अपील। झारखंड में ही महागठबंधन स्थायी सरकार दे सकती है, झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए महागठबंधन ही विकल्प है। यह बात बोकारो के सेक्टर 9 के बड़े खटाल में आयोजित एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष ने कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनावे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने कहा कि जिस उद्देश्य एवं विश्वास से आलाकमान ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, उस पर खड़े उतरने की वचन देती हूँ। उन्होंने कहा कि यदि मैं विधायक बनी तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की हर सुविधाओं का ख्याल रखूंगी। उन्होंने कहा कि 19 गांव ऐसे हैं जिन्हें आज तक पंचायत का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं जब विधायक बनूंगी तो इन उपेक्षित गांवों को पंचायत का दर्जा दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि खटाल के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा भाजपा की सरकार में उन्हें मयसर नहीं हुआ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि यदि विधायक बनी तो सभी समस्याओं को लेकर सदन तक आवाज उठाऊंगी और मैं न्याय दिलाऊंगी। विस्थापितों की समस्याएं हैं, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, किंतु हमने पूरे परिवार ने यह संकल्प लिया है कि 23 तारीख तक हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उसके बाद जो भी परिणाम हो, परिणाम के बाद हम पूरे परिवार मिलकर के इन सब परेशानियों से लड़ेंगे, इन सब सारी चुनौतियों को पार करेंगे। एक चुनौती भी है, बहुत बड़ी चुनौती है विस्थापितों की, जो कई वर्षों से किसी ने नहीं सुना, ना उनको जिन्होंने जमीन दिया, ना पंचायत का दर्जा मिला, ना उन्हें नियोजन मिला, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे ये मेरा बहुत बड़ा संकल्प है। अगर आप मेरे मैनिफेस्टो को भी देखेंगे तो मैंने खास तौर पे बोकारो के लिए बनाया है। उस मेरे संकल्प में एक ये बहुत बड़ा संकल्प है कि 19 विस्थापित गांव जिन्हें पंचायत का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, उन सारे गांवों को पंचायत का दर्जा दिलवाना ये मेरा कर्तव्य होगा।